dear learners, welcome back to Abhijit Siksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abhijit Siksha. So let us begin. Before beginning the daily news capsule, from the entire team of Abhijit Siksha, I would want to wish you guys a very, very happy Diwali. May this festival of lights brings you happiness, wealth, prosperity that you wish for, and every dream that you wish for may come true. So from the entire team of Abhijit Siksha, I would want to wish you a very, very happy Diwali. With this, we will start with our daily news capsule. Okay, there are some important news for the day. First is troops complete disengagement at Depsang and Demchok. ये news में बना रहेगा, exam में पूछा जाएगा और ये continuous बना रहेगा. यहाँ का geography, यहाँ का कहाँ किसका location है, ये हमें पता होना it's absolute necessity. तो आज हम लोग देखेंगे, उनके पोजीशन को भी देखेंगे कि देपसांग कहाँ है, देमचौक कहाँ है, वैसा उन सारे पोजीशंस को भी हम देखेंगे. नेक्स्ट इज कोर सेक्टर आउटपुट स्लिप टू 10-month लो इन सितंबर, ग्रोथ एंजाइटी डीपेंस. ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो इकोनॉमी है उसमें थोड़ा सा हमें एक स्टैग्नेशन एंड एक डेप्थ, एक डर्थ जो है वो हमें देखने को मिल रहा है. दिस इज़ काइंड ऑफ थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, पर ये हमें अंडरस्टैंड करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, इसमें हम लोग इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में भी सीखेंगे. थर्ड इज दिल्लीज एयर क्वालिटी प्लमेट्स टू वेरी पुअर, लाइकली टू वर्सन आफ्टर दीपावली. तो दिल्ली का जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स, ऑब्वियसली आफ्टर एवरी दिवाली इट्स प्लमेट्स टू वेरी, वेरी पुअर एंड वर्स्ट कंडीशन में भी चला जाता है, एकदम वर्स्ट कंडीशन में भी चला जाता है. तो ये क्या है रीज़न इसका? एक मेन रीज़न जो है स्टबल बर्निंग भी है, एंड दीपावली का जो फायर क्रैकर्स बर्निंग है वो तो है ही. तो ये सब जो रीज़न है इसमें इसका बहुत इम्पैक्ट रहता है. एंड हमें जो CPCB है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, एंड आपका जो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसके बारे में भी हमें समझना होगा. वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज US रिपेट्रिएट्स 1100 इंडियंस हु ट्राइड टू एंटर इट इलीगली. तो 1100 इंडियंस को जो है इंडिया भेजा गया है, रिपेट्रिएट किया गया है, क्योंकि वो जो है US में इलीगली एंटर करने की कोशिश कर रहे थे. सो दीज आर ऑल दी 4 इम्पॉर्टेंट न्यूज़. लेट अस स्टार्ट विथ the first news. But before beginning, if you are trying to give the TET का examination, जो Assam TET cum recruitment test का examination है, if you want to prepare it for the paper 1, this is the best course that you can buy it from in the market. You will get. So इसमें क्या है, live session, test series, PDF material, recorded material, everything आपको provide किया जाएगा at a very minimal cost. And हमारे जो live classes हैं वो भी चलते रहते हैं in YouTube. So आप जो है दोनों को checkout कर सकते हैं. ठीक है. So this is about the TET का course. Let us begin with the DNC. First is troops complete disengagement at Depsang and Demchok. तो ये इंडिया चाइना रिलेशनशिप का एक न्यू जो है, एक हम कोशिश कर रहे हैं कि हम to maintain a very good relationship with our neighboring country which is very as big as India and developing country है. So we want कि वहाँ पर शांति बने रहे, peace बने रहे. And देपसांग एंड देमचौक जो गलवान वैली में 2020 के बाद हुआ, कंप्लीट जो है ट्रूप डिसएंगेजमेंट जो है वो वहाँ पर हमें हो चुका है. तो यहाँ पर आप फोटो देख सकते हैं कि पेट्रोलिंग जो है दोनों अब करेंगे, पर देपसांग और देमचौक में जो है दोनों वहाँ पर जो है बिल्कुल डिसएंगेजमेंट जो है वो हो चुका है. ठीक है. सो ये कोविड के समय पर यहाँ पर इशू हुआ था गलवान के पास, और उससे पहले डोकलाम में हुआ था 2017 में, अब गलवान में हुआ था 2020 में. बट नाउ उन्होंने 4 साल में हमने जो है सारे जगहों से डिसएंगेजमेंट कर दिया था. बस देपसांग और देमचौक 2 एरियाज़ थे जहाँ पर उनका फ्यूचर हमें नहीं पता था, बट अभी बिफोर ब्रिक्स का समिट ये भी हम लोगों ने हमें पता चल गया है कि यहाँ पर है दोनों कंट्रीज जो है वो लोगों ने दे हैव क्लियर्ड डिसएंगेज्ड इन दिस एरिया. ठीक है. तो यहाँ देखिए, द ट्रूप्स ऑफ इंडिया and China completed disengagement at Depsang and Demchok in eastern Ladakh on Wednesday, army sources confirmed. This also marked the completion of disengagement from all friction points of the standoff point that began in 2020. May 2020 में बहुत सारे जगहों पे issues जो है वो थे. ठीक है. फ्रॉम ओल्ड बेगी एक जगह है, बहुत सारी जगह मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी, वो सारे जगहों से जो है डिसएंगेजमेंट जो है अब हो चुका है. एंड अब यहाँ पर जो है कोई भी पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो है फिलहाल नहीं है. ठीक है. फॉलोइंग दिस टू साइड्स विल एक्सचेंज स्वीट एट ऑल 5 बॉर्डर पर्सनल मीटिंग पॉइंट्स ऑन ओकेजन ऑफ दीपावली. उसमें LAC में जो है मिठाई जो है बांटी जाएगी ऑन थर्सडे. वेरिफिकेशन ऑफ द डिसएंगेजमेंट इज इन प्रोसेस. पेट्रोलिंग विल रिज्यूम वेरी सून. पहले तो वहाँ पर बिल्कुल जो है तैनात रहती थी, जवान जो है पूरा तैनात रहा करती थी, बट नाउ वो वहाँ पर जो है शांति जो है वो बनाया जा चुका है. ठीक है. द ग्राउंड कमांडर इन रैंक्स ऑफ ब्रिगेडियर एंड बिलो मेट लेटर इन द डे टू वर्क आउट द मोडालिटीज ऑफ पेट्रोलिंग, अ सोर्स in the news set. ठीक है, the 5 BPM, ठीक है, BPM क्या है, बॉर्डर पर्सनल मीटिंग, ठीक है, 5 BPM जो है पॉइंट्स अलॉन्ग द LAC कहाँ है, बुमला एंड किबिथू इन अरुणाचल प्रदेश, ये पहला है BPM बॉर्डर पर्सनल मीटिंग, यहाँ पे हुआ था, चुशुल इन एंड दौलत बेग ओल्डी इन लद्दाख एंड नथुला एंड सिक्किम, ठीक है, तो बुमला, किबिथू विलेज, चुशुल, दौलत और बेगी ओल्डी एंड नथुला, ये 5 जगह में बॉर्डर पर्सनल मीटिंग हुआ था, याद रखेंगे, बुमला में, किबिथू विलेज इन अरुणाचल प्रदेश, चुशुल एंड दौलत और बेगी इन लद्दाख यहाँ पर, एंड दौलत और बेगी हम जो है बेग ओल्डी, ठीक है, दौलत बेग ओल्डी, ये जगह जो है अभी हम लोग मैप में भी देखेंगे, तो वहाँ पर एंड नथुला जो सिक्किम है, यहाँ पर 5 जगहों पर बॉर्डर पर्सनल जो है वो मीटिंग हुआ था, यहाँ पर 5 जगह में जो है हमें एक विक्ट्रियस टाइप का सिचुएशन जो है देख सकते, ठीक है. Patrolling at Depsang and Depchok is set to resume in a day or two and will be coordinated by both the sides to avoid face-off and clashes. तो वहाँ पर जो है coordination जो है हम बना के रखेंगे. The size of patrol team would be limited, likely under 20 troops, and frequency of the patrol would be agreed between two sides so that each can undertake patrols to the points they accessed pre-2020. while preventing troops from coming face to face. तो मतलब यही है कि इंडिया एंड चाइना जो है अभी अपना रिलेशनशिप्स को बेटर करना चाहते हैं, एंड यहाँ पर एक न्यू टाइप का एक रिलेशनशिप जो है, जो कि जहाँ पर म्यूचुअल सेंसिटिविटी हो, म्यूचुअल ट्रस्ट हो, म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो. अगर आपको याद हो, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इन ब्रिक्स के मीटिंग में उन्होंने ये सेम बात बोला था कि म्यूचुअल सेंसिटिविटी, म्यूचुअल ट्रस्ट, ठीक है, होना चाहिए. एंड इंटेग्रिटी जो है, किसी का सोवरेन इंटेग्रिटी में आपको इंटरफेयर जो है वो नहीं करना चाहिए, ठीक है. यहाँ देखिए जो स्टैंड ऑफ है ये गलवान में हुआ था, एंड नाउ दिस एंटायर एरिया वाज अंडर दी रेडार, ठीक है. देखिए देपसांग प्लेन यहाँ पर है, दिस इज़ योर देपसांग, ठीक है, दिस इज़ योर डेमचौक, ये सारे ईस्ट ऑफ आपके लद्दाख में, ईस्टर्न लद्दाख में, ठीक है. अब देखिए ले के ऊपर जो है यहाँ गलवान है, यहाँ पर क्लैशेस हुए थे. दिस इज एंटायर एरिया इज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है हमारा इंडिया एंड चाइना का बॉर्डर है. ये पैंगोंगसो एक लेक है, दिस इज अ सॉल्टी वाटर लेक पैंगोंगसो, ठीक है. दौलत बेग ओल्डी, ठीक है, दौलत बेग ओल्डी जो है यहाँ पर है, ये रहा, यहाँ पर भी जो है BPM जो बॉर्डर पर्सनल मीटिंग हुआ था, ठीक है. गलवान यहाँ है, गलवान इज हियर, देपसांग प्लेन्स इज हियर, देपसांग प्लेन ऊपर है, देमचौक इज बिलो, ठीक है. देमचौक देखिए ये बिल्कुल चाइना के बॉर्डर के पास है, देमचौक यहाँ है और देपसांग भी बिल्कुल यहीं पर है. क्लियर, सो दिस इज़ द एरिया, दिस इज़ जम्मू कश्मीर वाला एरिया, दिस इज़ लेह लद्दाख वाला एरिया. क्लियर, तो ये कुछ एरियाज़ है जो कि आपको याद रखना है. ये जो पाकिस्तान वाला एरिया है ये है हमारा LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल. ये जो चाइना वाला एरिया है दिस इज़ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट हमारे लिए, काइंड ऑफ एक मेजर विक्ट्री भी है, ठीक है, क्योंकि वी डोंट वांट any kind of clashes and chaos in this region. We want this region to be stable, this region to be, मतलब wealth prosperity आना चाहिए इस region में. बहुत destable area है, ठीक है, बहुत unstable area है, तो इस unstability को हमें फिर से stable जो है वो करने के लिए कुछ efforts जो है यहाँ पर लगाए गए हैं, ठीक है. So this is the news. Second news is core sector output slips to 10-month low in September, growth anxiety deepens. तो यहाँ पर देखिए core sector का output में भी हमें कुछ ना कुछ जो है एक स्टेग्नेशन या बहुत कमी जो है हमें देखने को मिला है. 10 मंथ लो जो है वो हमें देखने को मिला है सितंबर अक्टूबर के महीने में. काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एक डीपनिंग जो है, एक डिप्रेशन टाइप जो है वो आ चुका है, ठीक है. आउटपुट लेवल्स इन इंडियाज़ 8 कोर सेक्टर विच अकाउंट्स फॉर अबाउट 40% ऑफ इंडियाज़ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ठीक है. 8 कोर सेक्टर्स, इसके बारे में मैंने बहुत बार डिस्कस किया है. मैन्युफैक्चरिंग जो है किसी भी कंट्री का एक बैकबोन के रूप में निकल के आता है. जैसे हमारे लिए हमारा बैकबोन इज़ नॉट मैन्युफैक्चरिंग, हमारा बैकबोन इज़ एग्रीकल्चर. देयर आर 3 सेक्टर्स, राइट, एग्रीकल्चर दैट इज़ द प्राइमरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग दैट इज़ द सेकेंडरी, एंड टर्शरी इज़ द सर्विसेज सेक्टर. हमारा सबसे ज़्यादा आउटपुट जो है सर्विसेज सेक्टर से आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा एंगेजमेंट जो है वो प्राइमरी सेक्टर से आता है. इसीलिए वी आर एन एग्रीकल्चरल सोसाइटी, ठीक है, हमारी सोसाइटी वी आर एन एग्रीकल्चरल सोसाइटी. बट हमने जो है हमारा सेकेंड 5 ईयर प्लान था, उसमें हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन को एक पुश देने की कोशिश किया, पर फिर भी ड्यू टू सम मेजर लैक्यूनास इन दी रूल्स एंड रेगुलेशन एंड जो भी कुछ हुआ है पास्ट में, उसके कारण क्या है हम मैन्युफैक्चरिंग को एज अ हब नहीं बना पाए हैं इंडिया में अभी तक. वी आर ट्राइंग कॉन्स्टेंटली, बट अभी तक हम वो मैन्युफैक्चरिंग को हब ऑफ द सोसाइटी नहीं बना पाए हैं. तो हमारा कांस्टेंट एफर्ट रहता है कि वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को पुश दे। तो उसमें एक रिकॉर्ड जो है, एक सर्वे जो है वो निकाला जाता है, उसको हम कहते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। मतलब इंडस्ट्री कितना प्रोड्यूस कर रही है उसका एक इंडेक्स निकालने को, उसको हम कहते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। उसमें हम बेसिकली देयर आर मेनी सेक्टर्स, ठीक है, इंडस्ट्री में बहुत सारे सेक्टर्स हैं, लेकिन उनमें से कोर सेक्टर को हम कहते हैं इंडेक्स ऑफ, मतलब आपका जो 8 कोर सेक्टर्स हैं उनको हम कहते हैं कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज, ठीक है। वो क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का 40%, ये 8 ही इंडस्ट्रीज है जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स का 40% हिस्सा जो है वो कंप्राइज करते हैं, जिसमें कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, एनर्जी हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, सीमेंट हो गया, ये सब आता है आपके आपके कोर सेक्टर्स में। तो ये कोर सेक्टर्स जो है हमारे लिए काइंड ऑफ एक हेडलाइट है कि मतलब हमें पता चलता है कि हमारा इंडस्ट्री किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। अगर कोर सेक्टर में अगर हमारा डिमांड ज़्यादा है, दैट मीन्स हमें क्या पता चलता है कि अगर डिमांड ज़्यादा है मतलब प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, एंड प्रोडक्शन डिमांड ज़्यादा है तो क्या बताता है कि अगर मैं डिमांड कर रही हूँ दैट मीन्स आई हैव मनी, माई इकोनॉमी हैज़ मनी, दैट्स वाई वी आर डिमांडिंग, राइट। अगर मेरे पास पैसे हो तभी तो मैं कार खरीदूंगी, राइट। तो कार खरीदना इज इक्विवेलेंट, मतलब प्रोडक्शन भी हो रहा है और आप डिमांड भी कर रहे हैं, दैट मीन्स क्या है कि इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा है। पर अगर वहीं पे अगर हमें कमी, एक हॉल्ट देखने को मिले तो वो हमें क्या बताता है कि द इकोनॉमी इज़ नॉट डूइंग वेरी वेल, या फिर अगर एक डिप अगर देखने को मिले तो वो हमें दिखाता है कि इकोनॉमी इज़ नॉट डूइंग वेरी वेल, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है सोसाइटी नहीं, इकोनॉमी में, मार्केट में कुछ कमी है, मे बी डिमांड साइड शॉक है, सप्लाई साइड शॉक है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो 8 कोर इंडस्ट्री है यह कहीं ना कहीं हमें बताता है कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग हब है वो किस तरीके से काम कर रहा है, हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो किस तरीके से काम कर रहा है। तो हमें जो है ये अगस्त सितंबर में थोड़ा डिप हमें देखने को मिल रहा था, थोड़ा सा आउटपुट में पहले थोड़ा सा 2% का इंक्रीज हुआ था, बट अगस्त सितंबर में कमी हमें देखने को, कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है। अगस्त के महीने में 1.6 का कॉन्ट्रैक्शन और 36 महीने में पहली बार इस तरीके का कॉन्ट्रैक्शन जो है यहाँ पर देखने को मिला था। उसके बाद देखिए सीमेंट इंडस्ट्री किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। ये सब आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, पर आपको क्या जानना है वो मैं लिख के लेकर आई हूँ। ये सब मतलब अभी, क्योंकि ये चेंज होते रहता है, वेरी होता है, अगस्त का अगला होता है, अक्टूबर, सितंबर, जुलाई, जून, हर महीने का अलग अलग होता है, ठीक है। पर हमें क्या जानना है कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एक मेजर है, एक हमें एक आइडिया देता है कि हमारा इंडस्ट्री जो है किस तरीके से मतलब प्रोडक्शन किस तरीके से हो रहा है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हाउ इट इज़ परफॉर्मिंग, ये हमारा इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है आपको एक आइडिया देता है। ये जो है कंपाइल्ड बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन MoSPI के अंदर आता है, ठीक है। MoSPI के अंदर जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आता है। इनमें से कुछ ब्रॉड सेक्टर्स है, जैसे कि माइनिंग एक है, मैन्युफैक्चरिंग एक है, इलेक्ट्रिसिटी ये एक है। ये तीनों के अंदर कुछ और 8 मेजर इंडस्ट्रीज आती है। यहाँ पर जो 8 लिखा हुआ है ना, ये सब ये तीनों ब्रॉड कैटेगरीज के अंदर आता है। इसमें गुड्स, बेसिक गुड्स, कैपिटल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स जो है वो सबको हम कैलकुलेट करते हैं। बेस ईयर यहाँ पर 2011-2012 का बेस ईयर हम मान के चलते हैं, इसी के बेस ईयर से हम कैलकुलेट करते हैं कि 2011-12 में कैसा था, अभी 2024-25 में किस तरीके से हम परफॉर्म कर रहे हैं। ये बहुत सारे गवर्नमेंट एजेंसीज इसका यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, RBI, पॉलिसी मेकिंग पर्पस के लिए इसका पूरी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे क्या है कि बहुत रेलेवेंट है, इसका GDP भी जब हम कैलकुलेट करते हैं तब भी इसका बहुत हेल्प हम लेते हैं एस्टिमेशन के लिए। और इसमें 8 कोर इंडस्ट्रीज जो है वो आता है, और यही 8 कोर इंडस्ट्री जो है ना 40.27% जो है ये आपका हिस्सा कंप्राइज करता है, ठीक है। कौन कौन से वो 8 कोर सेक्टर है, जैसे सबसे ज़्यादा जो है अगर किसी वेटेज है किसी इंडस्ट्री का वो है रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, जो ऑयल है, पेट्रोलियम है, ठीक है, ये सबको रिफाइनरी। सेकेंड है इलेक्ट्रिसिटी, फिर थर्ड है स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स। तो आप देखेंगे ये तीनों का ही अंतर्गत आता है। माइनिंग के अंदर जैसे कोल आ गया, क्रूड ऑयल आ गया, पेट्रोलियम आ गया, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जैसे सीमेंट आ गया, फर्टिलाइजर आ गया, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी आ गया, नेचुरल गैस आ गया, ये सब क्या है इलेक्ट्रिसिटी का अंतर्गत आ जाएगा। तो ये तीनों ब्रॉड के अंदर ये 8 सेक्टर आते हैं जो कि 40% ऑफ दी एंटायर मैन्युफैक्चरिंग को कवर करता है। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका ग्रोथ होना बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो होपफुली आपको ये टॉपिक जो है ये समझ में आ गया होगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये आपको पता होना ही चाहिए। और मैंने भी यहाँ पर डीएनसी में बहुत बार डिस्कस किया है, ठीक है। जब भी न्यूज़ आता है हर साल हर महीने ही द हिंदू जो है एक बार ये रिलीज़ करता ही है, तो मैं हर महीने ही जो है इसको ऑलमोस्ट डिस्कस करती हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये हमारा इंडिया का हेल्थ ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में बताता है, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है। अगला देखते हैं, दिल्ली एयर क्वालिटी प्लमेट्स टू वेरी पुअर, लाइकली टू वर्सन आफ्टर दिवाली। दिस इज़ नो न्यू न्यूज़, दिस इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ न्यू फॉर अस। हमें पता है हर साल आफ्टर दिवाली जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स बिकम्स वर्स इन दिवाली। तो ऑन द ईव ऑफ दिवाली द नेशनल कैपिटल विटनेस अ राइज ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन वेंसडे, एज मैनी एज 10 मॉनिटरिंग स्टेशन इन द सिटी रिकॉर्डिंग वेरी पुअर एयर क्वालिटी, ठीक है। और ये जो है सेवियर लेवल्स तक पहुंच जाएगा आफ्टर दीपावली। दीपावली के बाद क्योंकि फायर क्रैकर्स जो है बहुत बैन होने के बावजूद यहाँ पर जो है फोड़े जा रहे हैं, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है और ज़्यादा पुअर होगा। कहीं कई जगह पे जैसे मुनीरका, बुरारी एंड बहुत सारी जगहों पर जो है यहाँ पर मुंडका है एंड बहुत सारी जगहों पर यहाँ क्वालिटी इज़ एज लो एज 307, वेरी वेरी पुअर, ठीक है। एंड बहुत सारी जगहों में 268 है पुअर। तो यहाँ पर जो है क्वालिटी जो है मॉनिटर कौन कर रहे हैं? CPCB जो है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है ये मॉनिटर कर रहे हैं। हमें इसके बारे में ये तो हमें पता है कि स्टबल बर्निंग होता है, फिर फायर क्रैकर्स फोड़े जाते हैं, तो उसके वजह से क्वालिटी जो है एयर क्वालिटी जो है वो बुरा हो जाता है। लेकिन हमें जानना है नेशनल क्लीनिंग एयर प्रोग्राम के बारे में। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP भी इसको हम कहते हैं, ठीक है। NCAP जो है इसको भी कहते हैं। नेशनल एयर क्लीन एयर प्रोग्राम क्या है? ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज MOEFCC ये इसके द्वारा जो है ये बनाया गया है, लॉन्च किया गया है, ठीक है। ये पहला हमारा 2019 में लॉन्च किया गया था और ये हमारा फर्स्ट एवर एफर्ट है कि हम एक क्वालिटी मैनेजमेंट करना चाहते हैं, एयर क्वालिटी मैनेजमेंट करना चाहते हैं टाइम बाउंड मैनर में, ठीक है। ये हमारा पहला ये एफर्ट है, ठीक है। और टारगेट जो है इसमें सेट करते हैं। अभी देखिए, इट सीक्स टू कट कंसनट्रेशन ऑफ कोर्स पर्टिकुलर मैटर, मतलब पर्टिकुलर PM10 और PM2.5, ठीक है। PM10 PM2.5 को हम लोग जो है इसको रिड्यूस करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो 2.5 है ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर भी चला जाता है, तो इससे लोग बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं एंड इन वर्स्ट केस लोग मर भी जाते हैं। और इसमें हमारा बेस ईयर क्या रहेगा? 2017 हमारा बेस ईयर रहेगा, ठीक है। इसमें क्या होगा कि बहुत सारी जो है यहाँ पर क्या होगा, बहुत सारी सिटीज़ को हम लोग देखेंगे, ठीक है। बहुत सारी सिटीज़ जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है उनको हम इनमें स्टडी करते हैं। जो भी कोई सिटी है जो नॉन अटेनमेंट है, मतलब हम लोग क्या करते हैं, ये जो CPCB जो बोर्ड है वो हर जगह में चेक करता है। अभी उनमें से कुछ नॉन अटेनमेंट सिटीज़ है जिन्होंने अपना गोल को अचीव नहीं किया, अटेन नहीं किया, तो उनको किस में हम डाल देते हैं? नॉन अटेनमेंट सिटीज़ में। अब वो नॉन अटेनमेंट सिटीज़ जो है इसमें 132 सिटीज़ है, उनको वो किया गया, आइडेंटिफाई किया गया। और ये जो नॉन अटेनमेंट सिटी है ना, ये क्या थे? ये नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स NAAQS के जो है स्टैंडर्ड से मतलब नहीं हो पाए, ठीक है। वो जो NAAQS का जो स्टैंडर्ड है कि आपके सिटी में पोल्यूशन का लेवल इतना होना चाहिए, अगर वो इस स्टैंडर्ड को नहीं क्वालिफाई कर पाए तो वो नॉन अटेनमेंट सिटी में आ जाता है, ठीक है। और ये NAAQS क्या है? ये स्टैंडर्ड प्रोवाइड करते कि क्या होना चाहिए, क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए। जो हमारा एयर क्वालिटी एयर जो है पोल्यूशन कंट्रोल जो एयर एक्ट है उसके तहत क्या आपके शहर का क्या पोल्यूशन लेवल होना चाहिए वो डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे पोल्यूटेंट्स जो है NAAQS के अंदर आते हैं, जैसे हमने PM10 के बारे में यहाँ पे देखा, PM2.5 के बारे में देखा, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। इस तरीके का आर्सेनिक, बेंजीन, बेंजोपायरीन, ठीक है, निकेल, ओजोन, लेड, ठीक है। ओजोन भी आपको पता होगा, ओजोन जो है अगर ये आपके ट्रोपोस्फेयर में रहे तो वो बैड ओजोन होता है, स्ट्रेटोस्फेयर में रहे तो गुड ओजोन हो जाता है। तो इस तरीके से हमारे जो ये कुछ लिस्ट ऑफ पॉल्यूटेंट्स है जो NAAQS में आता है। अगेन इफ़ आई मेक यू अंडरस्टैंड, CPCB है, उन्होंने एक NAAQS बनाया है, ठीक है। NAAQS क्या है? नेशनल एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड है, मतलब आपने एक बेंचमार्क सेट किया है कि आपके शहर में लेट्स से 100 पोल्यूशन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्वालिटी एयर क्वालिटी इंडेक्स में आपका 100 आना चाहिए। अब कोई एक कंट्री एक शहर है X, ठीक है, एक शहर है, उनका 100 होना चाहिए पर उनका हो गया 110, तो क्या वो अटेन कर पाए? वो अपना स्टैंडर्ड्स को अटेन नहीं कर पाए। दैट मीन्स ये जो X है ये क्या बन जाएगा? एक नॉन अटेनमेंट सिटी, क्लियर, नॉन अटेनमेंट सिटी बन जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद जो है उन्हें अपना जो है एफर्ट्स को स्ट्रॉन्गर करना होगा। क्लियर। तो सीपीसीबी ने स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, स्टैंडर्ड्स अगर फॉलो नहीं करेंगे तो आप नॉन अटेनमेंट सिटी में बन जाएंगे। ठीक है, नॉन अटेनमेंट सिटी बन जाएंगे आप। क्लियर। तो यहाँ पर वही है, ये स्टैंडर्ड्स, और उसके बाद फिर आपको रिड्यूस करना होगा अपना पोल्यूशन को। तो इस तरीके से स्टैंडर्ड्स जो है वो एम्बिएंट एयर क्वालिटी के लिए स्टैंडर्ड कुछ सेट किए गए हैं अंडर दी NAAQS, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड के तहत। सो होपफुली आपको ये टॉपिक जो है ये समझ में आ गया होगा। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। ओके, लास्ट न्यूज़ फॉर द डे इज US रिपेट्रिएट्स 1100 इंडियंस हु ट्राइड टू एंटर US इलीगली। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए US ने जो है बहुत, आपने मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा द डंकी रूट। ठीक है, तो डोंकी रूट जो है वो एक इलीगल तरीके से जब आप किसी देश में एंटर करना चाहे तो वो उसको डोंकी रूट कहते हैं। ठीक है, ऐसे डोंकी रूट में बहुत सारे कंट्रीज़ के लोग जाते हैं, जैसे मेक्सिको के बहुत लोग US एंटर करते हैं, बहुत सारे लोग यूरोप में एंटर करते हैं फ्रॉम दी डोंकी रूट। तो वो जो है ये इलीगली आप एंटर करना चाहे किसी और कंट्री में तो उसी से जो है बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, बिकॉज आप किसी जगह में जाके डेमोग्राफी बिल्कुल चेंज करना लग जाता है। तो उसीलिए अब क्या है US भी, बिकॉज दे डोंट वांट टू टेक ऑल द इलीगल सिटीजन्स इन देयर कंट्री, तो वो क्या कर रहे हैं, रिपेट्रिएशन जो है वापस देश में भेज रहे हैं। तो ऑलमोस्ट 1100 इंडियंस जो है इलीगली एंटर करने की कोशिश कर रहे थे, उनको भेजा जा रहा है अपने कंट्री। ठीक है, द US हैज़ रिपेट्रिएटेड 1100 इंडियंस ओवर द पास्ट ईयर्स फॉर ट्राइंग टू एंटर US इलीगली, सेड अ सीनियर ऑफिशियल फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी DHS। The official added that there had been steady increase in number of Indians in recent years who have been repatriated from the US। तो बहुत सारे Indians को जो है repatriate जो है वो किया गया। Briefing journalist on Tuesday, Royce Murray, Assistant Secretary for Border Immigration Policy at the DHS Department of Homeland Security, she said that she had traveled India last week to witness the flight that few illegal immigrants back to India. Let me start by saying that fiscal year 2024, which just concluded at the September, the US repatriated over 1100 Indian nationals, Ms. Murray said in the briefing. ठीक है, तो उन्होंने बोला कि 1100 Indians को जो है कंट्री में वापस भेजा गया, इंडिया वापस भेजा गया। यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे लोग जो है ना इरेगुलर जो है माइग्रेशन करते हैं और इल्लीगली भी माइग्रेट करते हैं, और जो उन्होंने बिल्कुल इस तरीके से रिएटरेट कहा है कि देयर वुड बी टफ कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, अगर जो है टफ कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे अगर वो US में इल्लीगली एंटर करते हैं। तो लोग दूसरी कंट्री जाना ही क्यों चाहते हैं? पुश एंड पुल फैक्टर्स के बारे में आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा ज्योग्राफी में। देयर आर सम पुश फैक्टर्स, देयर आर सम पुल फैक्टर्स। पुल फैक्टर्स जहाँ पर आप जा रहे हैं वो पुल करते हैं, लाइक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, बेसिक कम्युनिटीज़ कैसा है, वॉर टॉन कंट्री है क्या, अच्छी कंट्री है क्या, लाइवलीहुड कैसा रहेगा। एंड पुश फैक्टर्स है कि आप यहाँ से क्यों जाना चाहते हैं, जैसे कि कोई वॉर, सिविल अपराइजिंग हो रहा है, कोई वार है, जैसे अफगानिस्तान से लोग भाग के जाना चाहते हैं। क्यों भाग के जाना चाहते हैं? बिकॉज वहाँ का लाइफ इज़ नॉट वेरी गुड। ठीक है, तो वो पुश फैक्टर है। तो पुश एंड पुल फैक्टर्स जो है वो काम करते हैं। हमें एज इंडिया व्हाट वी नीड टू डू इज़ वी हैव टू इम्प्रूव आवर लाइवलीहुड, लाइक जो स्टैंडर्ड लिविंग वेज है उसको इंक्रीज़ करना हो, हेल्थ कैसा है, एजुकेशन कैसा है, सोसाइटी कैसा है, सोसाइटी में क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए। ठीक है, इस तरीके के बहुत चीज़ें हमें कि दिस इज़ नॉट समथिंग दैट वी कैन डू इट इन द स्प्लिट ऑफ सेकंड्स, या फिर शॉर्ट टर्म गोल्स नहीं है, दिस आर लॉन्गर टर्म्स गोल्स। एजुकेशन में इंप्रूवमेंट लाना, हेल्थ में इंप्रूवमेंट लाना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इंप्रूवमेंट लाना, दिस आर ऑल लॉन्ग टर्म गोल्स दैट वी नीड टू अचीव। एंड ये मतलब टाइम लगता है इन गोल्स को अचीव करने में, इट टेक्स अस टाइम। कि मतलब आप अचानक से एक दिन उठ के आप बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बन गए, हैप्पीनेस इंडेक्स में आपका बहुत अच्छा रैंकिंग है, ऐसा नहीं होता है। वी हैव टू वर्क एवरी डे, डे बाई डे हमें वर्क करना होगा। कि मतलब हम लोगों को जो है स्किल प्रोवाइड कर रहे हैं, मार्केट रेडी बना रहे हैं, लोग अर्न कर पा रहे, तभी तो लोग डोंकी रूट में नहीं जाएंगे। ठीक है, सो ये एक छोटा मोटा शॉर्ट टर्म इफेक्ट, शॉर्ट टर्म गोल नहीं है, इट इज़ अ लॉन्गर गोल। इसी वरना इट ऑल्सो टार्निशेज द इमेज ऑफ द कंट्री, राइट। कि मतलब इलीगली इंडियंस जो है कहीं भी घुस रहे हैं, तो इट ऑल्सो टार्निशेज द इमेज एंड दिस इज़ वेरी, इट लुक्स वेरी ऑड ऑल्सो। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का रोल यहाँ पर स्टडीली हमें इंक्रीज़ करना होगा कि किस तरीके से हम इंडिया में ही मतलब इस तरीके का इन्वायरमेंट क्रिएट करें कि इट इज़ वेरी इक्वल। ठीक है, सबको अच्छे तरीके से वो लाइफ एक जी पाए। मतलब हमें एफर्ट्स जो है, कांस्टेंट एफर्ट्स, क्या है ऐसा US में जो इंडिया में नहीं है, क्या वो गैप्स है जिनको हमें वॉइड को फिल करना होगा। ठीक है, तभी तो लोग जो है माइग्रेट नहीं करेंगे। तो दिस इज़ दिस इज़ समथिंग दैट वी नीड टू वर्क अपॉन. ठीक है, दिस समथिंग जो है वो हमें यहाँ पर रहना होगा. पीपल विथ वीज़ा हु हैव ओवर स्टेड इन यूएस आर ऑल्सो लाइबल टू बी रिपेट्रिएटेड सेड ऑफिशियल. मतलब आप वीज़ा में जितना साल का समय है उससे ज़्यादा अगर आप रह के आ रहे उसमें भी आपको रिपेट्रिएशन जो है वो करवा सकते हैं. ठीक है, और ये कंट्रोवर्सी कब हुआ, जब प्रो खालिस्तानी फिगर जो है उनको जब मारा गया उसके बाद से ये सब ज़्यादा चल रहा है. जब पन्नू एंड निज्जर का किलिंग के बाद ये सब जो है फाइव आइज कंट्रीज़ जो है वो ज़्यादातर कर रही है. तो यहाँ पर कुछ ना कुछ अपना गेम्स भी है, पॉलिटिकल गेम्स भी है. तो दिस इज़ समथिंग दैट वी नीड टू वर्क अपॉन, एक्टिवली वी नीड टू वर्क अपॉन. ठीक है, सो एंड दिस इज़ नॉट जस्ट फॉर इंडियंस बट ऑल्सो यूएस कैनेडा बॉर्डर्स में भी लगाया गया है, यूएस मेक्सिको के बॉर्डर्स में भी है. जो इलीगल इमिग्रेशन है उसको स्टॉप करने की वो कोशिश कर रहे हैं. सो होपफुली आपको ये टॉपिक जो है ये समझ में आ गया होगा. With this we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. All of you, I want to wish you a very happy Diwali. Stay safe and we will meet in the next discussion. Thank you.